हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत टेक्निकल हेल्प में। दोस्तों, अगर हमारे पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो उन सभी बैंक अकाउंटों को गूगल पे और फोन पे से जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। गूगल पे पर तो हम उसे आसानी से एक से अधिक अकाउंट को ऐड कर लेते हैं, पर फोन पे पर एक अकाउंट ऐड करने के बाद दूसरा अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन शो नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से आप जानेंगे कि हम अपने फ़ोन पे पर एक से अधिक बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ़ोन पे पर एक से अधिक बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए फ्रेंड्स, हमें अपना फ़ोन पे ओपन कर लेना है। और यहां से फ्रेंड्स, नीचे हमें माई मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन से यहां पे सी आल इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहां से हमें बैंक अकाउंट इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहां से फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे फ़ोन पे पर SBI बैंक का एक बैंक अकाउंट लिंक है। और अगर हमें एक से अधिक बैंक अकाउंट को लिंक करना है तो यहां से हम नीचे ऐड न्यू बैंक अकाउंट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां से फ्रेंड्स, हम वो बैंक सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक का हमारा बैंक अकाउंट है। तो मेरा SBI का एक और खाता है, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां से देखिए फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक खाते लिंक थे वो सभी ऐड हो गए हैं। तो यहां पे एक ही मोबाइल नंबर से तीन बैंक खाते लिंक हैं तो वो तीनों यहां पे ऐड हो गया है। अब मान लीजिए मुझे किसी एक खाता को यहाँ से डिलीट करना है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे आएँगे। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अनलिंक बैंक अकाउंट, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अनलिंक पर क्लिक करेंगे। अब यहां से फ्रेंड्स, ये अनलिंक हो गया। इस तरह से हम किसी भी बैंक खाते को यहां से ऐड कर सकते हैं और यहां से रिमूव भी कर सकते हैं। आखिर में बात एक और फ्रेंड्स की, आप जो भी बैंक खाता यहां पे ऐड करेंगे वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में इंसर्ट होना चाहिए, तभी वो बैंक खाता यहां से ऐड होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर कोई और है तो आपको वो सिम इसी मोबाइल में लगाना होगा, तभी वो बैंक खाता यहाँ पर ऐड होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।